गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट्स वी कंटिन्यू द चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस एंड टुडेज टॉपिक इज सम मोर केमिकल चेंजेस. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द रिवर्सिबल इररिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. नाउ सम मोर अबाउट द केमिकल चेंजेस. कोल कंटेन कार्बन विच बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद सम अदर सब्सटेंसेज. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दिस इज द केमिकल रिएक्शन. कोल, कोल मीन्स कोयला. आपने देखा होगा एज अ फ्यूल वी यूज द कोल. तो कोल जब बर्न होता है, कोल कोल जिससे बना होता है उसमें कार्बन के एलिमेंट्स होते हैं. ये फॉसिल फ्यूल है. ओके, फॉसिल से बनता है, डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनता है और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको बनने के लिए, फॉर्मेशन के लिए. तो जब कोल बर्न होता है, क्योंकि ये कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इट मीन्स कार्बन बर्न हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर. तो कार्बन ने एयर से रिएक्शन की और क्या रिलीज करता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस along with सब अदर substances. along with सब अदर substances means smoke. जब फ्यूल बर्न होता है तो उससे ऐश बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी एंड along with सम अदर substances लाइक ऐश. ओके, तो वो राख, ऐश मीन्स राख. इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, कोल प्लस ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. साथ में इसके क्या बनेगी, स्मोक. स्मोक तो स्मोक में तो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस ऐश, क्या बनेगा, ऐश. ऐश मीन्स राख. हेयर वन एक्टिविटी दैट शो द केमिकल चेंजेस. ओके, सो इन दिस एक्टिविटी टेक सम विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. ऑब्जर्व दैट वट हैपन. Answer these questions on the basis of your observation. We have done only this thing that we take a vinegar. Vinegar means sirka, जिसे बोला जाता है. And we say the scientific chemical name of the vinegar is acetic acid. Okay. So vinegar लेंगे हम test tube में और उसमें baking soda. ये घरों में मिल जाता है. थोड़ा सा pinch, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा हम vinegar के अंदर baking soda डाल देंगे. तो अब हम जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना उसको ऑब्जर्व करेंगे. इज अ हिसिंग साउंड प्रोड्यूस. क्या जैसे ही हमने पिंच डाला बेकिंग सोडा का, क्या उसमें से कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है टेस्ट ट्यूब में से? टेस्ट ट्यूब यहाँ पर देखो, टेस्ट ट्यूब है, इसमें सबसे पहले बेकिंग विनेगर लिया, एसिटिक एसिड दैट इज द सिरका ऑल्सो वी कैन से, एंड वन पिंच ऑफ अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा डाला. तो जैसे ही वो मिक्स होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है तो एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, इज हिसिंग साउंड प्रोड्यूस? तो आंसर येस. जब हम ऑब्जर्व करेंगे, जब ये एक्टिविटीज़ करते हैं तब हम देखते हैं कि हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. डू यू सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट? क्या उसमें से कोई गैस बबल्स की फॉर्म में से निकल रही है? तो येस, जब हम ये एक्टिविटी करते हैं देन वी विल फाइंड दैट बबल्स आर कमिंग आउट. ओके, तो वो बबल्स किसके होते हैं? गैस के होते हैं. द गैस बीइंग इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो गैस निकली है बबल्स बबल्स की फॉर्म में, गैस रिलीज हो रही है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, क्या फॉर्म हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो गैस बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल रही है. सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज बाय दिस केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट वी टेक बेकिंग सोडा, देन विनेगर. विनेगर में क्या ऐड किया? बेकिंग सोडा. प्लस लगाया, क्या बना? एरो. प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर. सोडियम कार्बोनेट और पानी के अंदर डिजोल्व रहेगा तो ये आपको टेस्ट ट्यूब में मिलेगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकलेगी बबल्स की फॉर्म में. ओके, तो इसको हम प्रूव करने के लिए कि कौन सी गैस रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड. इसके दो तरीके हैं जिनमें से हम कोई भी टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि जो गैस रिलीज हुई है दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्ट ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल और अ मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. व्हाट डू यू फाइंड? द बर्निंग मैचस्टिक गेट्स एक्सटिंग्विश. ब्रिंग एक बर्निंग कैंडल
या फिर मैचस्टिक हम इसके माउथ के पास लाएंगे, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाते हैं बंद करती हुई। ओके, तो जब हम इसके पास बंद करती हुई ला रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बंद करनी चाहिए, लेकिन जैसे इसके पास लाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से निकल रही है वो इसको बुझा देती है। तो आपको पता है ये एक्सटिंग्विशर है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आग को बुझा देती है। तो ये प्रूव करता है कि जो गैस रिलीज हुई है दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ द फर्स्ट वे टू टेस्ट द गैस रिलीज ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। आफ्टर दिन सेकेंड वे, अलाउ द गैस टू पास थ्रू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। लाइम वाटर एज वी नो दैट अ कलरलेस लिक्विड एंड इट इज़ मेड बाय डिसॉल्विंग लाइम, लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, विद वाटर एंड देन फिल्टरिंग द सब्सटेंस। दूसरा मेथड क्या है कि जो गैस निकल रही है इसको हम इकट्ठा करेंगे, किसमें पास करवाएंगे, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्या है लाइम वाटर है। लाइम वाटर का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, लाइम वाटर जिसे बोलते हैं चूने का पानी, तो लाइम वाटर है। और लाइम वाटर क्योंकि उसमें चूने का पानी बोल रहे हैं, और चूना क्या है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि वाटर में डिसॉल्व है, चूने का पानी कैल्शियम ऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व है उसे क्या बोलते हैं लाइम वाटर। तो इसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज हो रही है जब उस लाइम वाटर में पास करवा देंगे और फिल्टर करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका कलर मिल्की हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है। ओके, लाइम वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो क्या बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्जर्व द कलर चेंजेस टेक प्लेस, क्या होता है कलर चेंज उसका। डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की, येस, जब हम गैस पास करवाते हैं लाइम वाटर में तो उसका जो कलर नहीं था अब कैसा हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होने से मिल्की कलर हो गया है। मिल्की कलर मीन्स जैसे वाइट होता है ना मिल्क, वैसा कलर हो जाता है। ओके, नाउ टर्न द पेज। व्हेन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अनदर सब्सटेंस। तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू बता रहे हैं कि क्या बनता है इस केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंजेस में क्या केमिकल चेंजेस क्या होता है, व्हाट हैपन्स द केमिकल चेंजेस। सो लाइम वाटर लिया था हमने और उसमें कौन सी गैस पास करवाई कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रोडक्ट क्या बना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस वाटर। आपको बताया था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो वाटर में डिजोल्व रहता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब जब कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइम वाटर है उसमें जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई तो क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही उस लाइम वाटर का जो कि कलरलेस था उसका कलर कैसा हो गया मिल्की, और क्या बनता है वाटर। तो दीज आर द रिएक्टेंट एंड दीज आर द प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। ओके, सो दिस इज द केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, ये बहुत जरूरी है। ऑल न्यू सब्सटेंसेज, बिकॉज ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, सो वी गेट ऑल द न्यू सब्सटेंसेज ड्यू टू द केमिकल चेंजेस। हाउस होल्ड मटीरियल्स, केमिकल मेडिसिन, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपने देखा है कि जो भी आइटम्स हैं उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है फैक्ट्रीज के अंदर, तो ऑब्वियसली फैक्ट्रीज के अंदर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही वो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। सो दैट्स वाई केमिकल रिएक्शन, इट मीन्स केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। सो चिल्ड्रन रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक एंड नाउ आई एम डूइंग द एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स। So open page number 50 and see the true false. Question number C, if the sentence is true then write here true and if the sentence is false then write the false. Magnesium burned with a pale blue flame. Magnesium pale blue flame से burn नहीं होता, this sentence is false because वो कैसा color होता है white color की dazzling flame होती है, that's why. Second, rusting take place in the presence of moist air. रस्टिंग किसकी वजह से हो रहा है, रस्टिंग यानी कि जंग, किस जंग लगने वाला जो प्रोसेस है वो मॉइस्चर, अगर एटमॉस्फेयर कैसा है ह्यूमिडिटी है मॉइस्चर प्रेजेंट है तभी होता है, सो इट इज़ ट्रू, रैपिडली होता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ ट्रू। आफ्टर देन थर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ फिजिकल चेंज, नो, रस्ट इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल चेंजेस, दैट्स व्हाई इट इज़ अ केमिकल चेंज, सो दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज फॉल्स। After then, fourth sentence, stainless steel does not get
डज नॉट रस्ट, स्टेनलेस स्टील में रस्ट नहीं लगता, रस्ट यानी कि जंग, जंग नहीं लगता, राइट क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील के जो यूटेंसिल्स बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील होता है वो अलॉय का बना होता है, वो प्योर मेटल नहीं होता, एक मेटल के अंदर बहुत सारे मेटल्स मिक्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट डज नॉट गेट रस्ट. आफ्टर देन फिफ्थ सेंटेंस, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज. दिस सेंटेंस इज राइट बिकॉज आफ्टर बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एंड irreversible change and permanent change, that's why burning of a substance is a chemical change. So listen children, do read the chapter, okay, topic whatever I told you, so read the topic from your book and do these true false in your notebook, okay. After then tomorrow we will continue the next topic, that is the rusting. Thank you.